लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए टेक महतो को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से जो है अपने शॉप के लिए Paytm, PhonePe या किसी भी कंपनी का जो है QR कोड ले सकते हैं, उसका मर्चेंट ID ले सकते हैं, वो भी फ्री में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसी बात की जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं अलग अलग ऐप के, पर मुझे उसमें कमेंट आते रहते हैं कि हम इसका ID कैसे ले। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जितनी भी आईडी है बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, वो मर्चेंट अकाउंट जो है आपको फ्री में बना के जाते हैं। उससे होता है क्या, उनका ही फायदा होता है। वो जो है जब हम अपनी जब उसका जो एजेंट है, उनका एक टारगेट होता है कि इतने जो उनका पर डे जो है एक्टिवेशन करना होता है, ठीक है, मतलब इतने मर्चेंट अकाउंट बनाते होते हुए KYC करना होता है, ये सब उनका टारगेट होता है। अब होता क्या है कि अब आप लोगों को पता नहीं होता है, आप जो है कुछ पेमेंट भी देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको ₹1 पे नहीं करना होता है। अगर आपके आप नहीं जानते हैं कि आप कैसे वो बनवाएंगे, तो उसके लिए जो है आप सीधा करिए क्या, इनके जो है कस्टमर केयर नंबर जो है मर्चेंट का एक कस्टमर केयर नंबर होता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सभी कंपनी का मर्चेंट अकाउंट बनाने के लिए जो कस्टमर केयर नंबर होता है मैं वो आपको दे दूंगा। आप उस पर कॉल करिए, उसके बाद जो है आप अपना लोकेशन बताइए, लोकेशन बताने के बाद जो है आप 24 घंटे के अंदर जो है आपके पास मर्चेंट अकाउंट बनाने के लिए एजेंट भेज दिया जाएगा, वो आपके शॉप पे आएगा। आपका जो है मतलब कि उसके लिए जो है आपसे पहले तो आपका जो है आपके फोन में एक उस कंपनी जिस कंपनी का आप जो है मर्चेंट अकाउंट बनाना चाहते हैं उसका उस ऐप को डाउनलोड करवाएंगे। उसके बाद जो है उसमें आपका बैंक नंबर और साथ में आपका पैन कार्ड नंबर ये सब डाल के जो है आपका मर्चेंट अकाउंट तैयार कर देगा। पर दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना मर्चेंट अकाउंट बनवाए तो उनका जो आईडी कार्ड होता है जो कंपनी उनको देती है उनका आईडी कार्ड, वो आप चेक कर ले, क्योंकि आजकल जो है फ्रॉड भी होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप अपना मर्चेंट अकाउंट बनवाए किसी भी कंपनी का, तो उसका जो है आईडी कार्ड देख ले, पुष्टि कर ले कि हाँ ये मर्चेंट अकाउंट कोई एजेंट ही है, कोई फ्रॉड नहीं है। उसके बाद अपना मर्चेंट अकाउंट बनवाए, अपना बैंक डिटेल या कुछ भी दे, ऐसे बैंक डिटेल या कुछ ना दे, बैंक डिटेल आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंपनी का मर्चेंट अकाउंट बनवाना चाहते हैं तो मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूं, मैं सबका नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो बेस्ट कंपनी है, जो ऊपर जो सबसे बढ़िया जो बेस्ट कंपनी है उनके जो है नंबर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से उस पर कॉल करके कस्टमर केयर से बात करके जो है आप एजेंट को अपने शॉप पे बुला सकते हैं और वो आपका मर्चेंट अकाउंट बिल्कुल फ्री में बना के जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मुझे बस आपको इसी बात की जानकारी देनी थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कहें। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।